मोहम्मद शेख पब्लिक न्यूज चैनल से। आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली गांधी स्टेडियम में और 7 फरवरी को आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो आता है वो मतलब एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ है और ये मतलब बताया जा रहा है कि पूरा हिंदुस्तान का मतलब ये बहुत बड़ा जो है ये माइनॉरिटी का एक पहली बार ऐसे एक मीटिंग हुई है और पहली बार एक चर्चा हुई है जो इतने तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार आदमी यहाँ तकरीबन स्टेडियम में कम से कम आए हुए थे, जो स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। आप जैसे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और इससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, जो रोड तक मतलब ट्रैफिक कंट्रोल भी मतलब बहुत भारी पड़ रहा है लोग पुलिस वालों को कि मतलब कैसा हम करें। और यहाँ पर हर चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे मतलब यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, केरला है, या एमपी है, या महाराष्ट्र है, हर जगह से लोग मतलब यहाँ के एक बड़े बड़े हर मतलब आए हुए हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी यहाँ पे मंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी MLA है, जो भी विधायक है और कार्यकर्ता भी। तो ये प्रोग्राम नदीम जावेद साहब हमारे जो ये प्रोग्राम का पूरा उनके सर पे एक जिम्मेदारी है और जो उनके से इसका सेहरा उनके सर पे ही जाएगा। और नदीम जावेद साहब का ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं पीछे रहती थी कांग्रेस में, तो अब जो है वो अच्छी खासी तादाद में बहुत आगे। ये नदीम जावेद साहब का मेहनत है। और यहाँ पर देखिए शीला दीक्षित और आरिफ नसीम खान साहब और काफ़ी मतलब यहाँ पे जितने भी है मतलब सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब बहुत बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम, ऐतिहासिक एक प्रोग्राम है। तो हमारे ये देखिए आइए कि हमारे राहुल गांधी साहब का भाषण चालू हो रहा है, तो आप जरा इसको गौर से सुनिए और क्या कह रहे हैं जरा उस ये सरकार के बारे में और लोगों से क्या पैगाम, हिंदुस्तान को लोगों को क्या पैगाम भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं इनको। शीला दीक्षित जी दिखाई नहीं दे रही। नमस्कार, आपको यहां आना चाहिए। आगे नदीम जावेद जी, PS बाबा जी, अनिल कौमर जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे सब लोग भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। माहौल आपको कैसा लग रहा है देश में? ठीक लग रहा है। आपने टीवी पे अचानक हो गया, आपने टीवी पे ध्यान से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा है? उतर गया है। देखा आपने? आपने उनके चेहरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे कि आप 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। 5 साल पहले कहा जाता था 56 इंच की छाती है, नरेंद्र मोदी जी 15 साल राज करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के रेप्यूटेशन की धजियां उड़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने।
चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, जहां भी आप देखें नरेंद्र मोदी की सच्चाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने देश को बताई। और 2019 में आप घबराइए मत, 2019 में नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस पार्टी हराने जा रही है। माइनॉरिटी कन्वेंशन है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं सुनिए सुनिए, मैं करता हूं, देखिए इसका तरीका है, इसका तरीका है। ये आजकल देश को बहुत बड़ा फैशन बना है, इसको सही तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, पहले होता था बीजेपी के लोग कहते थे अच्छे दिन, दूसरी साइड से जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अब देश में कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, दिल्ली के किसी भी कोने में, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जब कोई कहता है चौकीदार, 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 अब देखिए देश के चौकीदार, अब देश के चौकीदार थोड़े मुझसे गुस्सा हुए, वो कहते हैं आपने हमें बदनाम बदनाम कर दिया, मगर मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, हमने आपको बदनाम नहीं किया, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम सिर्फ एक चौकीदार की बात कर रहे हैं। जो चोर है, माइनॉरिटी की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखिए ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक भाषा का नहीं, ये देश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का है। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, एक विचारधारा कहती है कि यह देश सबका है, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, क्या नाम था उनका, मौलाना आजाद। तो अगर आज आप आईआईटी की बात करते हो, अगर आज आप आईआईएम की बात करते हो, अगर आज आप हिंदुस्तान की शिक्षा के सिस्टम की बात करते हो, तो आपको मौलाना आजाद की बात करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो स्पेस प्रोग्राम की नींव किसने रखी, नाम क्या था, विक्रम साराभाई। उनका धर्म क्या था, जैन धर्म। तो अगर आप स्पेस प्रोग्राम की बात करते हो, तो आपको विक्रम साराभाई जी की बात करनी पड़ेगी, यस। अगर आप सफेद क्रांति की बात करते हो, तो आपको कुरियन जी की बात करनी पड़ेगी, यस। अगर आप 1971 की बात करते हो, तो आपको फील्ड मार्शल मानेकशॉ की बात करनी पड़ेगी, यस। और अगर आप लिबरलाइजेशन की बात करते हो, और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, तो आपको मनमोहन सिंह की बात करनी पड़ेगी। तो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, इन्होंने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है, और इस देश को हर धर्म के लोगों ने बनाया है। ये देश हम सबका है। दो विचारधारा है, एक विचारधारा कहती है ये देश सोने की चिड़िया है, अमित शाह के शब्द है, अमित शाह ने कहा कि ये देश सोने की चिड़िया है, मतलब ये देश एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, सोने की चिड़िया से सोना मिलता है, और उसका फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरी सोच
ये देश एक नदी जैसे, इस नदी में सब लोग हैं, ये एक साथ चलती है और हर एक व्यक्ति को नदी में देश में जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोले, कुछ भी पहने, सबको इस देश में सही जगह मिलनी चाहिए। ये लड़ाई, और लड़ाई बैटलफील्ड क्या है? बैटलफील्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आरएसएस का लक्ष्य, आरएसएस चाहता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे परे कर दिया जाए और इस देश को नागपुर से चलाया जाए। आप देखिए, जुडिशियल सिस्टम में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, डालते हैं, इलेक्शन कमीशन में अपने लोग डालते हैं, सीबीआई का चीफ अगर नरेंद्र मोदी पर इंक्वायरी करना चाहते हैं उसको परे करते हैं, आरएसएस आज भी डालते हैं। तो उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को नागपुर से चलाया जाए और उनके क्या नाम है उनके बॉस का, मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाए। नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भागवत जी पीछे से रिमोट कंट्रोल, ये इनकी सोच है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं और वो सब के सब, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए चार सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और उसी लाइन में कहते हैं जस्टिस लोया का नाम लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा है, हर इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझ के रखते हैं, ये सोचते हैं कि ये देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश को समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है, आप नीचे। मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं, को इसकी गहराई आप समझो। 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं चली, 15 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस ने अपने लोगों को डाल रखा है। कमलनाथ जी ने मुझे बताया मध्य प्रदेश में एक स्पेशल मिनिस्ट्री तैयार की गई, 800 करोड़ रुपए उस मिनिस्ट्री में डाले गए। आपको मालूम है वो पैसा कहां गया? आपको मालूम है कि इस मिनिस्ट्री ने क्या काम किया? 800 करोड़ रुपए आरएसएस के लोगों को दिए, 800 करोड़ रुपए, एक मिनिस्ट्री, उसमें आरएसएस के सब लोग और एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कंट्रोल करने का सिस्टम, यही काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है।
राजस्थान में इतना नहीं कर पाए क्योंकि हम 5 साल पहले वहां थे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, इन स्टेट्स में आरएसएस के लोगों को एक एक करके हम सरकार के इंस्टीट्यूशंस में से निकालने का काम करेंगे। और इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, इन प्रदेशों की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए कि आप आरएसएस की ब्यूरोक्रेसी नहीं हो, आप हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो। और आप किसी एक संगठन के लिए काम नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करोगे। यह सच्चाई है। जहां भी जाते हैं, देश के ढांचे को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में आज गडकरी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया लोकसभा में, मैं था नहीं मगर मैंने सुना। गडकरी जी कहते हैं मैं बीजेपी का एक ही नेता हूं जो सब लोगों का काम करता है। बाकी सब नहीं भैया, गडकरी जी का भी रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है। मैंने ये बोला कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि हमें भी काम नहीं करने दिया जाता है, और ये सच्चाई है। और आप कांग्रेस पार्टी की सरकारें देखिए, शायद हम उसको ज्यादा ले जाते हैं। हमारी सरकारों में हर मंत्री अपना डिसीजन लेता है। मनमोहन सिंह जी जरूर प्रधानमंत्री हो मगर उसमें हमारे सब मंत्रियों की जगह होती है क्योंकि हम आवाज सुनकर काम करते हैं, हम जनता की आवाज सुनकर काम करना चाहते हैं। तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हम बैकफुट पे नहीं खेलने वाले हैं। चाहे वो हम बैकफुट पे नहीं खेलने वाले हैं और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एक सेकंड के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप सब, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कहीं के भी हो, आप सब इस देश के हो और आप सब की जगह इस देश में आपको मिलेगी। देखिए, आप एक बात नोट कीजिए, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो थी, रेप्यूटेशन जो था, बहुत बढ़िया था। बात एक्सेप्ट करते हो? आप एक्सेप्ट करते हो कि आज नरेंद्र मोदी बात मानते हो, एक्सेप्ट करते हो? चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, प्रधानमंत्री यूं नहीं बोल सकता। आज प्रधानमंत्री यूं बोलता है और ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये काम कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस को टक्कर देके बिना एक इंच पीछे हटके हमने ये काम किया है। मतलब कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हमने देश को रास्ता दिखाया। मैंने आपको ये नाम पढ़ के बताया, हर हर आजाद जी, घर घर कांग्रेस, साराभाई जी, कुरियन जी, ये मनमोहन सिंह जी, मैंने आपको नाम करके दिखाया। मगर जब इस देश में मुश्किल होती है
तो देश कांग्रेस पार्टी की ओर दिखता है। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, आजादी की लड़ाई, बैंक नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरल ये, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, जब ये देश रास्ता निकालने को मन बना लेता है तो ये देश ऑटोमेटिकली कांग्रेस पार्टी की ओर देखता है। अब मैंने आपको ये सब बातें बताई, आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी ने यहां क्या, आप मुझे बताओ पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, देश को क्या दिया? देखिए मैं थोड़ा बताता हूं, नोटबंदी, सुनिए सुनिए, नोटबंदी, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द किया, देश की जनता को लाइन में लगाया। मनमोहन सिंह जी उधर से कहते हैं भैया आपने, 1 साल पहले कहते हैं भैया आपने 2% जीडीपी उड़ा दी हिंदुस्तान की। 1 साल बाद पता लगता है 2% जीडीपी उड़ गई, नरेंद्र मोदी जी की जीनियस पॉलिसी। उसके बाद कहते हैं जबरदस्ती टैक्स लगाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर स्मॉल मीडियम बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चाइना कहता है कि हम नरेंद्र मोदी को टेस्ट करते हैं, देखते हैं नरेंद्र मोदी में कितना दम है। और चाइना ढोकलाम में अपनी सेना को भेज देता है। आपको मालूम है क्या होता है, आपको मालूम है क्या होता है, नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में उड़ता बीजिंग जाता है, चाइना की सरकार के साथ बिना एजेंडा, आप गहराई समझिए, बिना एजेंडा बात होती है। चाइना की सेना ढोकलाम में, नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि भैया तो 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाइयों बहनों हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी बात करता है, हाथ जोड़ा चाइना के सामने, मतलब मैं आपको उनका कैरेक्टर बताता हूं, आप समझिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से 5 साल से लड़ रहा हूं, समझ गया हूं। आप एक बात करो, और मैं किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता से, गडकरी से, किसी से भी कह देता हूं, आप एक बात करो, नरेंद्र मोदी जी के को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो, आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी के राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं बता, भाग जाएगा, भाग जाएगा। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे नरेंद्र मोदी जी?
गांधी जी 15 साल जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आजाद जी, पटेल जी, नेहरू जी लाइन लगी हुई थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 15 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल। सावरकर जी भैया क्या लिखवाना है मुझसे? अच्छा क्या लिखवाना बोलो ना। अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी लिखता हूँ। अच्छा और क्या लिखवाना है? पैर छुआ नहीं, पैर छुआ नहीं, चलो पैर छुआ करिए, पैर छुआ लेता हूँ। ये है इनका DNA, ये कायर है, कावट है, डरपोक है। आप शेर के बच्चे हो, आप सब शेर के बच्चे हो, आप कांग्रेस पार्टी के हो। और जब शेर के बच्चे कायरों के सामने आते हैं तो कायर भागते हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज की बात हो, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और हमारे सब नेता एक इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। और दम है आप में, दम है आप में तो नरेंद्र मोदी को मेरे साथ खेल में खड़ा करो। और नरेंद्र मोदी से मैं जो सवाल पूछ रहा भैया, थोड़ा सा आने लंबा के बारे में बताना मुझे। कौन से हवाई जहाज में गए थे आप उसके साथ? अच्छा थोड़ा मुझे बताना, फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपसे क्या कहा? अच्छा भैया आप रशिया गए, वहां पे आपने कौन सी आर्म्स डील की? आप अमेरिका गए, वहां आपने किसने किस दोस्त को मदद किया? ये आपके अदानी जी जो हैं, आपने इनको क्या कहां क्या दिया? 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए? HL के क्यों परे किया? क्योंकि चौकीदार बीजेपी के नेताओं से मैं कहता हूं इनको मेरे साथ गेट पे खड़ा कर दो, 5 मिनट, 5 मिनट, मैं 6 मिनट नहीं मांग रहा, 5 मिनट। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को धोखा दिया है, युवाओं को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है। और 15 लोगों की राजनीति की है, 3,50,000 करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों ने मांग किया है। हाँ ये अब भैया देखो टाइम हो गया है, आपकी बात बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है, कांग्रेस पार्टी टाइम जाया नहीं करती है। तो मैंने बोला, मैंने अपने जो मैनिफेस्टो बनाया है उन लोगों से बोला, देखिए मुझे आप छोटी बात मत बोलिए, मुझे आप ये मतलब जैसे नरेंद्र मोदी बोलता है मैं देश के किसानों को 2.5 रुपए दूंगा, 17 रुपए दूंगा, ये मत बोलिए मुझे, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? आप मुझे एक बात बोलो, काम की बात करो मुझसे, मन की बात नहीं, काम की बात। मैंने मैनिफेस्टो वाला को बोला, मैंने बोला हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है वो 5 साल से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और उनका कितने रुपए का सूट था, 12 लाख का था वो, जिसपे नरेंद्र मोदी लिखा था, वो कितने का था वो? ये गरीब जनता इनके सूट को इनके मित्रों के चेहरे और इनका चेहरा देख रही है, अब गरीब जनता थोड़ी थक गई। तो मैं गरीब जनता को थोड़ी शक्ति देना चाहता हूँ, छोटा काम मत बोलो मुझसे, मुझे ऐसा काम बताओ जो मतलब देश को हिला दे। सुनिए 6 महीने बात हुई और मैंने ये भी बोला, देखिए मनरेगा ऐतिहासिक काम था, भोजन का अधिकार ऐतिहासिक काम था, मगर
उससे ऐतिहासिक काम चाहता हूं। तो डिस्कशन के बाद क्या निकला मैं बताता हूं। डिस्कशन के बाद निकला कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए। अनिल अंबानी पर 1,00,000 रुपए का कर्जा है, 30,000 करोड़ रुपए उनके जेब में डाले। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़, सुनो मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी लाइन लगी हुई है, जय शाह। तो मैंने बोला एक ऐतिहासिक काम, मुझे आप एक ऐसी बात बोलो जो मैं खुल के चिल्ला के देश की जनता को बताऊं और जिससे देश की जनता का जो मूड है, जो देश की जनता की जो शक्ति है वो एक साथ खड़ी हो जाए। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला देखिए कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अब हम उससे भी आगे निकल जाते हैं, हम मिनिमम इनकम की गारंटी देते हैं। अब मिनिमम इनकम का क्या मतलब, शीला जी ताली बजा रही हैं और शीला जी को हमने गहराई में समझा रखा है तो अच्छी तरह समझते हैं, आप लोगों को शायद मिनिमम इनकम के बारे में गहराई से नहीं बताया तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मिनिमम इनकम का मतलब हिंदुस्तान में जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां भी हो, उन आंध्र प्रदेश, हिमाचल, बंगाल, जहां भी है, और देश की जनता को ये समझना है, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, जहां भी ये गरीब लोग हैं वहां कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिनिमम आमदनी का पैसा डाल दे, कहेगी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप गरीब हो, हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हम आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आपके लिए डाल रहे हैं। लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों के जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल सकता है तो हम हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में भी पैसा डाल सकते हैं। और ये देखिए, दूध क्रांति की कुरियन जी ने की, नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया हिंदुस्तान, सही बात है। ये जो निर्णय लिया गया है ये पहली बार, दुनिया में पहली बार किसी बड़े देश ने ऐसा निर्णय लिया है, ये कभी इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान जितना बड़ा देश है कि हम अपनी गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालेंगे और हिंदुस्तान में एक गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा, खत्म। तो आप जाइए, आप 2-3 मैसेजेस दीजिए। पहला मैसेज, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, कोई भी भाषा के होते हो, कहीं के भी हो, यह देश आपका है और कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा करेगी और आपको प्रगति से जोड़ने का काम करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी किसानों की, गरीबों की, युवाओं की रक्षा करेगा, चाहे वो मिनिमम इनकम की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात हो। तीसरी बात नरेंद्र मोदी जी की इमेज खत्म हो गई है और मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि 5 मिनट नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पर खड़ा कर दो। इकोनॉमी पे बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे, राफेल पे बात करेंगे,
पांच मिनट आ जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छप्पन इंच की छाती है मगर प्रेस से नहीं बात कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। वही मैंने कहा घूम के भागेंगे। तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करती है, सबको एक साथ ले जाने का काम करती है, वो काम हम करते रहेंगे। और आप सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मिलकर पूरा का पूरा देश, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँगा, जब तक के लिए लाल मोहम्मद शेख पब्लिक न्यूज चैनल से।